बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मीडिया का बड़ा मशहूर हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाए। मैं भी कैबिनेट से वज़ीर आज़म साहब से आधे घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ, कैबिनेट का इजलास जारी है। मैं सारी कौम के सामने अपनी रेलवे की फाइनेंशियल 9 माह की कारकर्दगी पेश करना चाहता हूँ। इसमें मेरे साथ हमारे चेयरमैन जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब, हमारे सीईओ आफताब अकबर साहब, हमारे फिनांस एडवाइज़र मंजूर साहब और हमारे डीएस शाह साहब जो हैं मुनव्वर शाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात, मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने कौम से कहा था कि हम 24 पैसेंजर ट्रेनों का आखिरी जो बेड़ा है वो कल प्राइम मिनिस्टर शाम को 4 बजे सर सैयद एक्सप्रेस का नॉन स्टॉप ट्रेन का इफ्तिताह फरमाएंगे और सर सैयद एक्सप्रेस के बाद हमारे पास अब ये वक्त होगा कि हम अपनी पुरानी ट्रेनों की रिहैबिलिटेशन करें। सिर्फ एक हम लाहौर से प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर सरगोधा एक्सप्रेस महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर वो मियांवाली तक ले जाएंगे और बाकी फिनेंशियली, क्योंकि आज हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान रेलवे ने सारे लोगों को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, हमने 4 अरब रुपए के खसारे में कमी की है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। माली साल 2017-18 में पाकिस्तान रेलवे का खसारा जो था, सालाना खसारा, वो 36 अरब 62 करोड़ था, जो आज 4 अरब 3 करोड़ रुपए कम होके 32 अरब 59 करोड़ रह गया। ये 4 अरब रुपए की तारीखी कमी है। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि हमें 4 अरब रुपए का तेल भी ज़्यादा ख़रीदना पड़ा है, वो मैं आगे जाके आपसे अर्ज करूँगा, क्योंकि हमसे पहली हुकूमतों में ये तेल कोई 70 रुपए का और अब कोई 110 या 100 जितना भी था। सो हमें गुज़श्ता 4 दहाइयों की तारीख में पहली दफ़ा रेलवे, और मैं कौम के सामने वादा करता हूँ इमरान खान की क़ियादत में 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह रेलवे को खसारे से पाक कर देंगे, और इसका सारा क्रेडिट मैं रेलवे के अफसरों को, वर्करों को, मज़दूरों को ख़ास तौर पर देता हूँ। आज भी मैंने कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप पाकिस्तान रेलवे के मज़दूरों को 1 रेट ज़्यादा दें, अगर ऐसा नहीं होता मैं अपने तौर पर, अगर ये हमारे 6 महीने अच्छे चले तो पाकिस्तान रेलवे के मज़दूरों में 10% तनख्वाह का इजाफा करूंगा, और मुझे ये इख्तियार हासिल है कि अगर मैं अपनी इनकम इतनी बढ़ा लेता हूं तो मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से सैलरी में 10% और इजाफा करूंगा। मैंने आपसे अर्ज कर दिया है कि हमने ₹54 बिलियन 59 करोड़ इन 9 महीनों में कमाए हैं जी, और पिछले दौर में इन्होंने 49 पॉइंट कुछ था और ये बड़े छाती चौड़ी करके चलते थे। 54 बिलियन 59 करोड़ रेवेन्यू जमा किया है, जो कि पिछले साल 49 अरब 50 करोड़ रुपए था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के रेलवे के 18-19 के टारगेट में ना सिर्फ टारगेट को पूरा किया है बल्कि इस टारगेट में हमने 4 अरब रुपए का भी इजाफा किया है। हमने अल्लाह के हुक्म से हमें एडिशनल तेल और पेंशन और तनख्वाह पर 3 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी उठाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। 24 ट्रेनें चलाने के बावजूद
वैसे तो अगर मैं मंजूर साहब की बात पे जाऊं तो ये 70 लाख लीटर बनता है, लेकिन मैंने एक एक ट्रेन को काउंट करके कितना वो उसमें जहाँ स्टॉप करते हैं, क्या कहते हैं उसे, शेडो में नहीं, उजड़ा डिपोज में, मैंने एक एक रिकॉर्ड चेक करके हमने 24 नई ट्रेनें भी चलाई हैं, 2 फ्रेट ट्रेनों का इजाफा किया है, 1 ट्रेन और तैयार की है 160 कोचेस की, और हमारे एक मैकेनिकल इंजीनियर एजाज ब्रोरो जो हैं, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूं, 160 फ्रेट पैसेंजर से 1 ट्रेन और चलेगी, इसका हम टेंडर करने जा रहे हैं, जो कि एक पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा बड़ा ज़बरदस्त वाकया होगा। और हमने 60 लाख पैसेंजर सालाना बढ़ाए हैं, वो सुन ले जो कहते हैं पैसेंजर कम हुए हैं, अल्लाह ने मेरी मदद की तो हम इन पैसेंजर्स को 1 करोड़ पे ले जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई कोच नहीं है, कोई फ्रेट वैगन नहीं है, हमने नई पैसेंजर ट्रेनों के टेंडर लगा दिए, नई फ्रेट वैगनों के टेंडर लगा दिए, इनकी तरह नहीं करेंगे कि सिंगल टेंडर पे मेरिट पे, हमने ये ट्रेनों के टेंडर लगा दिए, उसके बाद अल्लाह को मंजूर हुआ तो जो 4% हम उठा रहे हैं इस वक्त फ्रेट का, वो हम 20% तक ले जाएंगे इस मुल्क का, और पैसेंजर्स को 60 लाख से 1 करोड़ पर ले जाएंगे। अब हमारा टारगेट जो है वो फ्रेट ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेनें कभी नफ़ा नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद हमने ये कोशिश की है कि नुकसान ना हो अगर नफ़ा नहीं हो रहा तो। हमने अपनी माल गाड़ियों का हेडक्वार्टर कल जो है, पहले भी शिफ्ट किया था लेकिन उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी, और सीओ साहब से कल मैंने कहा कि जो अफसर कराची फ्रेट ट्रेन का शिफ्ट नहीं होता उसको सस्पेंड कर दें, हम अपना हेडक्वार्टर कराची लेके जा रहे हैं क्योंकि माल वहाँ है, कारोबार वहाँ है, और जहाँ तक के मैं ये समझूं कि पाकिस्तान रेलवे का बहुत बड़ा काम जो है ML1 जो है PC1 में चला गया है, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ML1 1800 किलोमीटर नई ट्रैक का पहला फेज़1 जो है, इसमें नवाबशाह रोड ही हमने रखा है, बहुत बुरी हालत है, 1 रुपया इन्होंने नहीं लगाया, और ये लाला मूसा रावलपिंडी और नुशहरा पेशावर, लाला मूसा झेलम कलोवार एक ऐसा इलाका है जो अंग्रेज़ ने उस वक्त इतनी मशीनें नहीं थी, ये ML1 के ठीक होने के बाद रावलपिंडी लाहौर का सफ़र 1.5 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 घंटा तक, 1.5 घंटा ना सही तो 1 घंटा तो लाजमी कम हो जाएगा। इसके अलावा ये हमें ताना दे रहे हैं कि हमें 40 अरब से 16 अरब रुपए हमारा PSDP हो गया है, ये हो गया है जी, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ख़जाने की हालत इतनी ख़राब है कि हमारा PSDP इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, जब तक मैं रेलवे का वज़ीर हूँ मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और इमरान खान वज़ीर आज़म और प्लानिंग मिनिस्टर खुसरो से भी, और शेख हफीज़ मेरे ज़ाती दोस्तों में, असद उमर भी दोस्त थे उस वक्त, तो बिल्कुल ही मैं फुल था, ये 16 अरब रुपया जो हमें कहते हैं ये ठीक है, लेकिन ज़रा अपनी हालत पर भी देखें, आपने जो 42 अरब रुपए का बजट रखा था पिछले साल, उसमें सिर्फ आपको 15 अरब और 60 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए हैं, ये सारी हम डिटेल फिनेंस और प्लानिंग की जारी कर रहे हैं, असल कारकर्दगी एक साल मेरा 24 अगस्त को हो जाएगा या 20 अगस्त को, हम एक मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, ट्रैक सिस्टम और वाईफाई के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 दिन में लाहौर के अंदर कोशिश करेंगे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जिनके पास टाइम हो, हमारी बहुत बुरी हालत थी 70 साल से कमांड एंड कंट्रोल रूम की, कंट्रोल रूम ऐसे लगता था कैसे कोई फतेह जंग का पटवारी का दफ्तर, इससे 1000 दर्जे बेहतर था, कुतबाल के अगर पटवारी के दफ्तर में जाएं तो 1 करोड़ दर्जे उससे बेहतर था, सो हम मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स पर बग़ैर पैसे लगाए, और इसको हमने लोगों के डोनेशन पर और गालपन 2.5 लाख रुपया उस पर ख़र्चा होगा, हम मोस्ट मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाने जा रहे हैं,
और इस जो ट्रैकर हमने लगाया है इससे तेल में भी हमने कंट्रोल किया है और घर बैठे इसकी देख सकेंगे आप रेल की हालत और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के आने के बाद हम 117 को भी प्राइवेट कॉल सेंटर जो है वो मॉडर्न कॉल सेंटर इसी से कमांड कंट्रोल में बनाएंगे, वहाँ प्राइवेट फोन के साथ मिलके हम एक रुपया या दो रुपये, एक रुपया रेलवे को नफ़ा हो एक रुपया प्राइवेट को, ये करने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त लाइव ट्रैकिंग से 10 लाख मुसाफर अपने फ़ोन के ज़रिए से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ML1 का जो है हम मज़दूरों को इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने कहा है कि हम 10% अस खुद अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर ये 4 और 6 अरब रुपए और 3 अरब रुपए पेंशन के और तनख्वाह के हम पे ना बढ़ते तो हम ये तकरीबन 10-12 बिलियन खसारा कम कर सकते थे, लेकिन ये सारा मजदूर की एफर्ट की वजह से हुआ है। और मज़दूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैंने रॉयल फार्म हाउस जो है वो दुनिया के चोटी के 6 वकीलों के मुकाबले में लड़ा है और जीता है, और मैं सुप्रीम कोर्ट का इस भरे मीडिया में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कौम के एसेट को कौम के हवाले किया है। मेरिट पर इंशाअल्लाह ताला ये 90 दिन के अंदर अंदर हम कंसल्टेंट जो है उसको हायर करने जा रहे हैं और 90 दिन के अंदर अंदर इसकी इंटरनेशनल बिडिंग करेंगे। इसी तरह शेप से भी हम उनको फाइनल होने जा रहे हैं। सो पाकिस्तान रेलवे के जितने एसेट्स हैं मैंने 3 महीने की मोहलत दी है कि 90 दिन के अंदर अंदर लोग या किराएदारी एक्सेप्ट कर लें, वरना उनके नजायज़ जो हैं और ख़ास तौर पर कोठा कला में भी और सिहाला में भी हमने अरबों रुपए की जायदाद निकाली है। उनसे भी मैं कहता हूँ कि DS रावलपिंडी से आके अपना तय कर लें, 1,000 कनाल ज़मीन अंग्रेज़ों के वक्त से और सिहाले में लोगों ने कब्ज़ा किए हैं और हैं जी प्लाजे बने हुए हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सारे पाकिस्तान रेलवे गरीब आवाम का है, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कौम का शुक्रिया अदा करूं। हमारी डी रेल हुई जी, हमारी पटड़ी पुरानी है जी, 1861 में पटड़ी पड़ी, हमारा सिग्नल सिस्टम पुराना है, हमने सारे पैसे लगाए जी कि रेलवे के इंजन ख़रीद रहे हैं जी, ऊपर वैने 1-1 अरब रुपए की ख़रीद रहे हैं, खुद भी फंस गए हैं और कई बेचारे बेगुनाह अफसरों को भी फंसा दिया, कई गुनाहगार होंगे कई बेगुनाह होंगे। इंशाल्लाह रेलवे चल पड़ी है, कल प्राइम मिनिस्टर के इफ्तिताह पे, सर सैयद के इफ्तिताह पे हमने 3 महीने पहले अपना टारगेट गेन कर लिया है। हालांकि चना एक्सप्रेस के बाद हमें कोई वक्फा भी देना चाहिए था, और लोग कहते हैं हमारे पास रैक नहीं है जी, हमारे पास रैक हैं, हमारे पास अब टाइम है, और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान रेलवे इमरान खान की क़यादत पर आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। अब हमारा टारगेट फ्रेट है, हमने अपनी पैसेंजर ट्रेनों का टारगेट पूरा कर दिया और ना हमारे पास अब कोई सीट है, बड़ी ईद तक लोगों ने टिकटें ले ली हैं, इसलिए जो हमने 2 से 6% किराया बढ़ाया या 1.5% बढ़ाया 3-4 महीने में तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारी बुकिंग जो है वो एक लंबी, मैंने ये आके फैसला किया कि हमारे इस्माइली फिरके के यहाँ इमाम है बाऊ मोहल्ले में, उसने कहा जी आप 30 दिन के आगे हम टिकट ही नहीं ले सकते, तो हमारी छुट्टियाँ तो 3 महीने बाद हमें टिकट नहीं मिलती, हमने 90 दिन किया, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो 15,000 यौमिया मुसाफर बढ़ा है हम इससे ज़्यादा मुसाफर नहीं उठा सकते जब तक कि नई पैसेंजर्स ना आ जाएँ। फ्रेट हम उठाएँगे ज़्यादा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अगर आपने रेलवे की कोई बात करनी हो तो, क्योंकि मेरे साथ तमाम सरकारी अफसर हैं। जगह दी जाती है, उसमें पैसे तो दिए जाते हैं, लेकिन तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें जगह
देखें हमारी ट्रेनें बास ट्रेनें सस्ती हैं 100 रुपए हमने इकोनॉमी तक बढ़ाया बास बिजनेस ट्रेनों पे और हमने 200-300 बढ़ाया द रीजन इज 50 किलोमीटर हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया जो गरीब आदमी रावलपिंडी से झेलम तक जाना चाहता हो हमने जो अमीर ट्रेनों पे बढ़ाया हम 10 साल बाद ट्रेन को बंद नहीं करना चाहते और अगर ऑयल की कीमत हमने 3 अरब रुपया इन 3 महीनों में सही है और पहले 3 अरब रुपया सही है लेकिन उसके मुकाबले में 1 पॉइंट कुछ का हमने बोझ जो है डाला है और मैं सारी कौम को 5 अरब रुपया 5 अरब 90 लाख रुपया हमने ज़्यादा कमाया है विच इज़ रिकॉर्ड हमने 3 अरब रुपया पेंशन सैलरी बढ़ गई पेंशन में दिया है तेल में दिया है और 4 अरब रुपया हमने ऑयल की प्राइस में दिया है और 4 बिलियन रुपीज़ हमने खसारा कम किया हमने ऐसा कभी नहीं किया लिसन टू मी सवाए एक ढाबे जी हमने बंद की क्योंकि वो बड़ी खसारे में थी 22 या 21 दिन बाद हमने बंद की उसे हम शाह अब्दुल लतीफ भटाई पे ले गए उसकी ऑक्यूपेंसी है 140% क्योंकि वहाँ अफसर जो से हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे वो चाहते थे वो ना हो इसी तरह मंजोदारों की ऑक्यूपेंसी है लेकिन ये गरीबों को सर्विस देना भी हुकूमत का काम है एम्प्लॉय वही हैं ये अच्छी बात है एम्प्लॉय वही हैं यही रेलवे की बचत का नतीजा है 70,000 एम्प्लॉय हैं अभी हम 10,000 एम्प्लॉय की कुरानदाजी करने जा रहे हैं बैलेट करने जा रहे हैं और अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी हिदायत की है अभी वहाँ हदायत किया और रेलवे पहली वजारत होगी जो 10,000 एम्प्लॉय को और 10,000 को स्टैंड बाई रखेंगे अगर ML1 हमारा इसी 3 महीने में शुरू हो जाता है और TLA के मुलाजमों को भी हम कन्फर्म करने जा रहे हैं 9 महीने की पाँच अरब रुपया भी ज़्यादा कमाया है 90 लाख मेरा ख्याल है वो मेरे लिए यही ठीक है वो यही सूरत हाल होती जो फिनांस ने की है कौन से शहर की बात करें ना जल्दी हैदराबाद कराची हम फास्ट ट्रैक का टेंडर करने जा रहे हैं पिंडी लाहौर में भी हमारे पास पार्टियां हैं लेकिन सबसे पहले हम कराची हैदराबाद से हमारी बात चल रही है BOT बेसिस पे और सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ ML2 BOT बेसिस पे टेंडर किया हुआ है ML3 भी BOT बेसिस पे किया हुआ है और एक हम जो नाला लई का है उसमें भी एक ट्रेन की कल मीटिंग हुई है हम सुहा से चाहते हैं रेल की पटरी एयरपोर्ट भी चली जाए और रेल की पटरी जो है वो इसका रेलवे से कोई तलक नहीं होगा इसकी अलग अथॉरिटी है उसका मैं फोकल पर्सन हूँ उसका भी और सेक्रेटेरिएट चली जाए सो ये डिजाइनिंग हो रही है PC1 हो रहा है हमने परमानेंट करने का वजीर आजम इमरान खान ने फैसला किया है चेयरमैन सुल्तान सिकंदर साहब उस कमेटी के मेंबर हैं कल इस कमेटी का इजलास हो गया है ये हमारी दरीना ख्वाहिश है उनको कंफर्म करेंगे जी बेटे बिल्कुल मैं इतराफ़ करता हूँ और मैंने आज चेयरमैन और CEO साहब से कहा है कि पंक्चुअलिटी जो है वो हमारी मुतासर हो रही है और हम वाकई इसका इतराफ़ करते हैं एक डिरेल हो जाती है तो उसका भी 2 दिन असर बस लास्ट 2 क्वेश्चन कैसर बात बिल्कुल ठीक किया रिडेम्को को ख़त्म किया मुझे 9 महीने पहले कर देना चाहिए था 20-20 साल के ये रिडेम्को है ना पाम आयल 50-50 साल बाप की उनकी जदाद है मुलाजमीन थोड़े से मुलाजमीन हैं ऐसे ही मेरा मतलब एक्सपर्ट बने हुए हैं मुल्क डूब रहा है 20-20 साल के इन्होंने मुआहदे किए हैं 50-50 साल बना दिए हैं कमीशन फोरों ने तहजीब पे भी केस दे देंगे नैब में शेप को हम उनसे बातचीत कर रहे हैं फॉर्म हमें मिल गया है और इंशाल्लाह ताला जो ये पैसे बचेंगे जो हमारी आमदन बढ़ेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के मज़दूरों को 10-20% उसका शेयर दूंगा खसार जी
ये राजा साहब बैठे हैं सारी सहूलत के इंचार्ज हैं हमारे फोकल पर्सन है एक ये रावलपिंडी से उन्होंने सेल्फ किया ये और मुदसर दो बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे को अपनी जेब से देते हैं मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि लई एक्सप्रेस वे जो है उसका बजट पंजाब ने भी रख दिया है मरकज़ ने भी रख दिया है हमने दो यूनिवर्सिटियां भी ले ली हैं रावलपिंडी में सेटेलाइट टाउन यूनिवर्सिटी और आईटी यूनिवर्सिटी और तीन नए कॉलेज कैसर और माँ बच्चे अस्पताल का भी 2 अरब रुपया आ गया BSO का हमें अब इंशाल्लाह ताला अभी तक तो वो हल नहीं हुआ लेकिन हम कुछ ना कुछ PSO का उठाना अब हमारे तलकात बेहतर हो गए हैं हमने कैबिनेट में 2 दफ़ा केस लड़ा थैंक यू वेरी मच एवरीवन कर रहे हैं यार शाह जी कोशिश कर रहे हैं अब बड़ी मजबूरियां होती हैं हुकूमतों में ठीक है पूरी कोशिश कर इंक्वायरियां चल रही हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे मेरा वादा आपसे थैंक यू कल बात करेंगे बाकी कल इंशाल्लाह 4 बजे सर सैयद का इफ्तिताह होगा थैंक यू ऑल रेलवे ऑफिसर्स और इस लंच का ऐलान तो नहीं करना ना लंच है ही